चल लेके जाओ ना सबको, नहीं तो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। रियल ब्लॉग्स कंचन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रह्म स्थान पूजा करने। चलिए आप लोग भी हम लोग के साथ मंदिर पूजा करने। मंदिर नहीं है, स्थान है ब्रह्म बाबा का, और बहुत मान्यता है ब्रह्म बाबा का। क्या स्टोरी जुड़ा हुआ है ना उनसे, बहुत पहले आए थे। आपको डिटेल में बतलाने के लिए आपको अलग से ब्लॉक कर दीजिए, यदि किसी को चाहिए डिटेल। बोला जाता है कि दिल से जो भी मांगे वो पूरा होता है। अभी हम जा रहे हैं। तो लीजिए, हम आ गए हैं ब्रह्म स्थान। और ये जो हम आप लोग को अभी दिखा रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे अष्टयाम होती है, जिसे जिनको भी मन्नत मांगा हुआ होता है ना, कोई भी मन्नत आप मांगिए अगर वो पूरा हो जाता है तो यहाँ पे अष्टयाम करवाते हैं। तो इसके चारों तरफ देखिए ये मंडप सा बना हुआ है, और इसके चारों तरफ ये फोटो लगी हुई है। और यहाँ जो भी अष्टयाम जो होता है तो उसमें बस यही कोई भी गाने के तर्ज पे बस जय सिया राम, मतलब हरे राम हरे कृष्ण यही गाया जाता है कोई भी गाने के तर्ज पे। और यहाँ पे देखिए यही है ब्रह्म स्थान, तो इनकी बहुत मान्यता है, आप दिल से जो भी मांगोगे ना तो यहाँ पे पूरी हो जाती है। और ये जो अष्टयाम स्थल है ना, तो ये अभी बना है कुछ दिन बाद, लेकिन ये जो ब्रह्म स्थान है ये बहुत पहले से ही बना हुआ है। तो बोला जाता है कि जैसे ये ब्रह्म बाबा ना कहीं से आए हुए थे हमारे गांव, और रात में रुके थे, और उनका मतलब यहीं पे उनका डेथ हो गया था। तो वो स्वप्न में आ करके मतलब बोले थे कि मुझे स्थान दो, तो यहीं पे उनको स्थान दिया गया है। और ये ब्रह्म स्थान, वो ब्रह्म थे तो इसीलिए इनका नाम ही ब्रह्म स्थान रखा गया है। तो यहाँ पे पूजा करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर ना लेडीज़ को जाने का मतलब लेडीज नहीं जा सकती हैं, उनको आज्ञा नहीं है अंदर जाने के लिए, जेंट्स ही पूजा करेंगे, क्योंकि वो ब्रह्म थे मतलब ब्राह्मण थे, और वो शायद शादीशुदा नहीं थे तो इसलिए। और यहाँ पे ध्वजा है हनुमान जी का, तो यहाँ पे भी पूजा होती है। और इस तरीके से चारों तरफ से बनाया हुआ है, तुलसी माँ भी है, सब है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूजा था। और ये है हवन कुंड, तो यहाँ पे देखिए भैया पूजा कर रहे हैं, और हम लोग बाहर खड़े हैं। तो हम लोग भी मतलब पूजा करते हैं तो बरामदे पे करते हैं, अंदर जाके नहीं करते हैं। तो बहुत दिन से मेरा मन था कि हम यहाँ पे आए और पूजा करें, तो कभी मौका नहीं मिलता था, बस दो दिन एक दिन के लिए कभी जाते थे। वो भी आप लोग को पता ही है, जब भी हम जाते हैं तो जैसे कोई पूजा होता है, छठ पूजा होता है या कोई भी पूजा होता है, तभी हम जाते हैं और फिर आ जाते हैं, इसलिए नहीं जा पाते थे। लेकिन इस बार रहे हैं तो सोचे कि मतलब ब्रह्म स्थान जरूर जाए। पहले हम लोग यहाँ पे सांग लेने आते थे, तो भाभी भी आई हुई थी, तो भाभी भी बोले कि हम मुझे भी चलना है। तो हम भैया और बड़ी भाभी मतलब यहाँ पे आए हुए हैं पूजा करने। तो यहाँ पे देखिए भैया प्रसाद चढ़ा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। और उस साइड में जो आप लोग देख पा रहे होंगे ना, तो वो जैसे कोई मन्नत मांगते हैं ना, किसी को गछा हुआ होता है, घोड़ा, कुछ भी जैसे, तो ऊपर में भी आप लोग देख पा रहे हैं बहुत सारा कुछ है। तो जिसका मन्नत जो भी पूरा हो जाता है ना, तो वो बनवा करके मिट्टी का यहाँ पे, जैसे खराम है जो पैर में पहना जाता है, तो वो भी देख रहे हैं, तीन चार जोड़ी है, तो वो भी लगता है जैसे कि मन्नत मांगा हुआ ही है। जिसका पूरा हो गया है तो वो यहाँ पे चढ़ा करके चले गए हैं, तो वही साइड में रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे भैया पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए फूल पान मिठाई सुपारी सब कुछ यहाँ पे, मतलब पान सुपारी मिठाई सब कुछ लाए हुए हैं, और भी आदमी आए हुए हैं। तो अभी दिन का समय है इसलिए मतलब कम भीड़ है, नहीं तो शाम के टाइम ना यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती, बहुत ज़्यादा। मंगलवार के दिन यहाँ पे सांझ देने आते हैं, मंगलवार को, अगर जिसको भी मतलब सांझ देना हो तो मंगलवार को। वैसे पूजा तो आप डेली ही कर सकते हैं, लेकिन सांझ देने मंगलवार को यहाँ पे आते हैं। वैसे जिनकी मर्जी है तो मतलब और दिन भी सांझ दे सकते हैं, जैसे दिया जलाते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से।
तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आकर के ना इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंडक थी ना, वो देख रहे हैं जहाँ पे अष्टयाम होता है वहाँ पे सभी औरतें आकर के बैठती हैं, जो भी मतलब काम करने जाते हैं। चारों तरफ आप लोग देख लीजिए, बस गाछ वृक्ष हरियाली है और बीच में ये है, तो इतना अच्छा, इतना सुकून लग रहा था यहाँ आकर के, मन ही नहीं हो रहा था मेरा वापस जाने का, मन कर रहा था कि यहीं पे कुछ देर बैठ जाऊँ। लेकिन वही है ना, भाभी भी आई हुई थी, उनका छोटा बच्चा था तो उसको छोड़ के मतलब ज़्यादा टाइम हम लोग रह नहीं सकते थे, इसलिए मतलब रोता होगा तो इसलिए पूजा किए, बस कुछ देर रुके और फिर हम लोग वापस चले गए। लेकिन इतना ज़्यादा सुकून यहाँ पे मिल रहा था, और बहुत से लोग से भी यहाँ पे मुलाकात हो गई, क्योंकि जैसे हम यहाँ के हैं तो सभी लोग मुझे जानते हैं, लेकिन कभी किसी से मिलना नहीं हो पाता है, जब से शादी हुई है बाहर ही रहना हुआ है, और अब पूर्णिया भी आए हैं तो मतलब किसको उतना टाइम है कि ज़्यादा दिन के लिए मायके आए, बस दो चार दिन के लिए जाते हैं फिर काम हो गया फिर आ जाते हैं। आप लोग देख पा रहे हो कि लेडीज सब बैठी हुई है, और यहाँ पे देखिए ये मंडप जो बना हुआ है, तो जो भी अष्टयाम किए होंगे तो उनका है ये, फिर अगर कोई दूसरा करेंगे ना तो ये जो देख रहे हैं जिस पे ये कागज चिपकाया हुआ है मंदिर जैसा बना हुआ है ना, तो इसको हटा करके फिर वो अपना बनाएंगे, लेकिन ये जो है चबूतरा ये बना हुआ ही रहेंगे। और इसी के चारों तरफ मतलब घूम घूम के नाच करके मतलब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है अष्टयाम। अगर आप मतलब मेरी मम्मी को भी है मन्नत मांगा हुआ, अगर वो करेंगे तो हम आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे किस तरीके से मनाया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब अष्टयाम होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। 24 घंटे के लिए होता है, 48 घंटे के लिए होता है, जिसको जितना दिन का मन्नत मांगा हुआ होता है ना तो उतना दिन वो करवाते हैं। और बाहर से आदमी सब आते हैं, मतलब वो राधा कृष्ण वो मतलब जैसे पाठ भी होता है, मतलब रामायण पाठ और क्या कहते हैं कृष्णा, ये सब भी पाठ भी होता है, मतलब पाठ कर करके बहुत अच्छे से मतलब मनाया जाता है, जिसको जितना हम पैसा वो खर्चा कर सके मंडली को, जितने जैसे मंडली को मतलब मंडली बोलते हैं उनको, तो मंडली को मंगा सके तो उतना अच्छा लगता है। भीड़ लगा हुआ रहता है, पूरा भीड़ लगा हुआ रहता है, आदमी सबको देखने का मतलब जगह नहीं दिखेगा, जैसे मेला में भीड़ होता है ना उसी तरीके से चारों तरफ भीड़, अभी खाली लग रहा है ना पूरा भर जाता है जब अष्टयाम होता है दिन रात। तो यहाँ पे देखिए भैया भी पूजा करके निकल गए हैं, और हम लोग वहाँ से प्रणाम कर लिए हैं, लेकिन अब बाहर में हम लोग भी पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी चढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे को कितना ठंडक लग रहा हुआ ना, इतना बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी यहाँ पर आके, दिल को बहुत आराम मिल रहा था, क्या बताएं मतलब बयान नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग को। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी प्रसाद चढ़ाए हैं, दिया जलाए हैं, और अब आरती दिखा रहे हैं। चलिए भगवान ब्रह्म बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करे, मेरी भी मनोकामना पूर्ण करे, बस यही प्रार्थना है ब्रह्म बाबा से कि मेरी भी जल्दी से जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो हम फिर से यहाँ पे आएंगे। और देखिए अब यहाँ पर भी पूजा हो गया है हम लोग का, तो अभी हम फिर अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पे भाभी भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, अटल भी आया हुआ है, अटल मेरा भतीजा है तो वो भी आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मतलब दिया मतलब बात ही ऐसा था ना कि पकड़ने वाला नहीं था, तो हम तलहत्ती पे लेकर के ही मतलब आरती दिखाए थे, क्योंकि वो जैसे ऐसे पकड़ने पे हाथ लगता था कि जैसे जल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मतलब अच्छे से तलहत्ती पे रख के आरती दिखा लिए। देखिए पूरा जैसे दिया देख पा रहे होंगे आप लोग, पूरा दिया जैसे मतलब पूरा जल गया था, रुई में आग पकड़ लिया था, तो हम इसी तरीके से तलहत्ती पे रख के ही आरती दिखाए, मतलब शान दिए जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सभी जगह पूजा हो गया है, हम लोग का भी प्रसाद नहीं उठाए हैं, और भी लोग देखिए इंतज़ार में हैं कि वो भी पूजा करेंगे, तो हम लोग जैसे कर लेंगे ना तो प्रसाद जैसे उठा लेंगे तो उसके बाद ये सब करेंगे, और इनके भी जेंट्स आए हुए हैं तो वो भी अंदर जाके ही प्रसाद चढ़ाएंगे मतलब पूजा करेंगे, क्योंकि लेडीज को अंदर जाना मना है, तो इसलिए। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद हम लोग रील्स भी बनाए,
और देखिए अब यहाँ पे पूजा हो गया है। और हम लोग से मेरे गांव के ही मिलने के लिए भी आए हुए थे तो उनसे मिले भी, लेकिन उनका वीडियो नहीं बनाए क्योंकि हो सकता है सभी को पसंद नहीं हो वीडियो में आना, क्योंकि अभी हम नए हैं और यहाँ पे जैसे कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते हैं इसलिए सभी को पता भी नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा वीडियो बनाना। और हम लोग देखिए वापस घर आ गए हैं, तब घर में जो प्रसाद चढ़ाया गया था तब भाभी भंडार करके मतलब अब जल चढ़ा के अब प्रसाद उठा रही हैं। तो आज का वीडियो बस यही था। तो आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।